हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट पीएच एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स. ओके, सो व्हाट इज इंडिकेटर? एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस. है ना, क्या है इंडिकेटर? ये एक डाई है. इट इज अ वन काइंड ऑफ कलर एंड द कलर ऑफ दैट डाई विल चेंज व्हेन इट इज पुट इनटू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. ओके, so and we can say this thing also that an indicator tells us whether the substance is acidic or basic. ठीक है ना, by changing its color. अपना color change करके आपको बताता है कि आपका solution acid है या फिर basic है. so there are three most common indicators. first one is litmus, second one is methyl orange and third one is phenolphthalein. so we have studied about litmus in our earlier class. okay, there are two types of litmus, blue litmus and रेड लिटमस पेपर. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, तो इट टर्न्स रेड व्हेन पुट इनटू एसिड. ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर एसिड को क्या कर दे, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? इट टर्न्स रेड. एंड व्हाट अबाउट रेड लिटमस? इट टर्न्स ब्लू व्हेन पुट इनटू बेसिस. मैंने आपको सिखाया था ए बी सी, एसिड ब्लू को रेड करता है और बेस रेड को ब्लू करता है. ठीक है ना, तो जब हम बेस को अपने रेड लिटमस पे डालते हैं तो वो ब्लू हो जाएगा और एसिड को जब हम ब्लू लिटमस पे डालते हैं तो रेड हो जाएगा. ठीक है ना, सो सेकंड वन इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज. ओके, सो इट गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इट गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन. मतलब अगर हमारा एसिड है उसमें अपने मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम रेड. और बेसिक सॉल्यूशन है सो जब अपने इसको मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो. ओके, थर्ड वन टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज फिनोफ्थलिन. थर्ड वन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फिनोफ्थलिन. इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. वैसे मिथाइल ऑरेंज हमारा वैसे ऑरेंज कलर का होता है लेकिन जब अपने एसिड में डालते हैं तो ये हमारा रेड हो जाता है और बेस में डालते हैं तो ये येलो हो जाता है. लेकिन फिनोफ्थलिन वैसे भी कलरलेस ही होता है. ये इंडिकेटर कैसा होता है हमारा? कलरलेस होता है. सो जब अपने इसको एसिड में ऐड करते हैं इट विल रिमेन कलरलेस. है ना, तो इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा रहता है? कलरलेस रहता है. एंड इट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन. अगर बेसिक सॉल्यूशन में अगर हमने फिनोफ्थलिन डाला तो इट विल बिकम पिंक. तो ये कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा. ओके, सो नाउ वन मोर टाइप ऑफ इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर. वी शैल टॉक अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर. क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज. अलग अलग पीएच वैल्यू वाले सब्सटेंसेस को अगर हम टेस्ट करें तो अपने को उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर देता है जिसका एक पूरा चार्ट बना हुआ होता है. तो उस चार्ट में अपने मैच करके पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है उसका पीएच कितना है. ठीक है ना, तो इसमें हमारा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो हम इसमें बात करते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की. ओके, सो कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज आर गिवन बिलो. तो यहाँ पे हमने टेबुलेट किया है, वी हैव टेबुलेटेड हियर दैट एट विच पीएच द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर विल बी एज फॉलोइंग. ठीक है ना, सपोज द पीएच वैल्यू इज जीरो देन द यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर विल बी कन्वर्टेड टू डार्क रेड. इफ द पीएच वैल्यू इज वन द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर विल बिकम रेड. ठीक है ना, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है अलग अलग पीएच वैल्यू के साथ में कलर अलग अलग देगा. सो इसका एक बहुत अच्छा सा एक्टिविटी देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है तुम्हारे लिए, लिखा है आई हैव रिटन अ वेरी नाइस एक्टिविटी ओवर हियर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू दिस डायग्राम. ओके, सो दिस इज वन टेस्ट ट्यूब. वी हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब एंड वी हैव पुट सम सब्सटेंस हुज पीएच इज अननोन. अननोन है ना, तो पीएच इसका हमको पता नहीं है. इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो सब्सटेंस दिया उसका पीएच हमको पता नहीं है. ठीक है ना, नाउ वी विल ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. क्या डालेंगे? यूआई. यूआई मींस यूनिवर्सल इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे. नाउ वी विल ऑब्जर्व द कलर चेंज ऑफ द सॉल्यूशन. जो हमने सॉल्यूशन लिया था उसका कलर जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे. नाउ मैच द कलर ऑफ द सब्सटेंस विथ पीएच चार्ट. उसको हम किससे मैच करेंगे?
पीएच चार्ट से मैच करेंगे, जो मैं आपको दिखाती हूँ पीएच चार्ट। इसमें इस तरीके का पीएच चार्ट होता है, ये दिख रहा है, ये देखिए ये पीएच चार्ट पूरा दिख रहा है। इसमें अलग अलग पीएच पे अलग अलग हमको कलर्स दिखाई देंगे अपने को, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब एंड वी हैव पुट सम सॉल्यूशन हुज पीएच इज अननोन, देन वी हैव पुट सम ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन दिस सॉल्यूशन, नाउ द कलर ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बिकम चेंज एंड नाउ वी विल मैच दैट पर्टिकुलर कलर विथ पीएच चार्ट एंड आई हैव शोन यू द पीएच चार्ट, दिस वन इज द पीएच चार्ट। हम उससे मैच करेंगे, सपोज कि हमारा कलर ये वाला आ रहा है, ठीक है ना, तो इसकी पीएच कितनी होगी, इसकी पीएच 11 होगी। सपोज कि हमारा कलर ऐसा कलर हो गया उस सॉल्यूशन का यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करने के बाद, तो उसकी पीएच हमारी कितनी होगी, 5 पीएच होगी। तो पीएच चार्ट हमारा ऑलरेडी ड्रॉ होता है, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का बॉटल है उसके ऊपर पीएच चार्ट हमारा ऑलरेडी उसमें स्टिक किया हुआ ही आता है, जिससे अपने पीएच की कलर का जो चेंज होता है, हमारे सॉल्यूशन का कलर जो चेंज होता है, उसको उस पीएच चार्ट से हम मैच कर सकते हैं। तो सेम एक्टिविटी आई हैव रिटन ओवर हियर। सो एक्टिविटी, टेक वन टेस्ट ट्यूब, एक सेकेंड, ओके। सो टेक वन टेस्ट ट्यूब, पुट 2 to 3 ml ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अननोन पीएच, अननोन पीएच वाला सब्सटेंस हमको लेना है 2 to 3 ml जितना। पुट सम ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द टेस्ट ट्यूब, फिर हमने उसमें क्या डाला, यूनिवर्सल इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालिए। ऑब्जर्व द कलर चेंज, मैच द कलर ऑफ द सब्सटेंस विद द पीएच चार्ट, उसको हम पीएच चार्ट से मैच करेंगे। सपोज द कलर ऑफ द सब्सटेंस बिकम ब्लू आफ्टर एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, मीन्स द पीएच कलर पीएच वैल्यू इज 9, हियर इट इज ऑल्सो रिटन, यू कैन सी हियर, मीन्स इफ द कलर चेंज विल बिकम ब्लू, मीन्स वी कैन से इट्स पीएच वैल्यू इज 9, द पीएच वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बी 9, ओके, गॉट इट। नाउ लास्ट वन टाइप ऑफ इंडिकेटर, दैट इज ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है ना। ऑल्फैक्ट्री ये स्मेल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है बेटा, ये इट इज रिलेटेड टू स्मेल, ओके। सो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, है ना। ये एसिड के साथ में या बेसिक सब्सटेंस के साथ में इनका स्मेल चेंज हो जाता है, इसलिए इन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। सो ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये दोनों कैसे इंडिकेटर्स हैं, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी अबाउट ऑनियन। सो वॉट वी विल डू, पुट सम क्लोथ कॉटन क्लोथ स्ट्रिप्स विद द फाइनली चॉप्ड ऑनियन, हम क्या करेंगे, ऑनियन को अच्छे से कट करेंगे और एक प्लास्टिक बैग में उसको, ऑनियन के पीसेस जो होते हैं फाइनली चॉप्ड, उसके अंदर हम कॉटन के क्लोथ की स्ट्रिप्स डाल देंगे, ठीक है ना। अब ये हम जैसे लिटमस पेपर यूज करते थे ना, इस तरीके से हम क्या यूज करेंगे, ये कॉटन क्लोथ की स्ट्रिप्स विच वर पुट विद द ऑनियन, विद द फाइनली चॉप्ड ऑनियन, दो स्ट्रिप्स वर पुट, ठीक है ना। अब अपने इस स्ट्रिप को कैसे यूज करेंगे, पीएच पेपर की तरह यूज करेंगे अपने, है ना, लिटमस पेपर की तरह यूज कर सकते हैं। जब अपने इसमें एसिड डालेंगे तो इसकी स्मेल चेंज होती है या नहीं होती है, बेसिक डालेंगे तो इसकी स्मेल चेंज होती है या नहीं होती, वी विल ऑब्जर्व, ठीक है ना। सो ये हमने कॉटन की स्ट्रिप जो हमने तैयार की ऑनियन के चॉप्ड ऑनियन के साथ में, अपने ने कॉटन की स्ट्रिप्स रेडी की है। सो विथ एसिड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन दोज कॉटन स्ट्रिप्स, इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ऑनियन। तो कॉटन की स्ट्रिप में हम अगर एसिड में डिप करते हैं ना, तो उस कॉटन की स्ट्रिप में से ऑनियन की स्मेल नहीं जाएगी, मीन्स इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ऑनियन। एसिड होगा वो कॉटन के क्लोथ की स्ट्रिप में से ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, ओके। विद बेस, इट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ऑनियन, तो लेकिन जब हम बेस में ऐड करेंगे तो उसमें से ऑनियन का स्मेल चला जाएगा। बेस वैसे भी याद रखो, देखो सोप है, सोप क्या है, वन काइंड ऑफ बेस, ठीक है ना। तो साबुन से धो तो अच्छे से अच्छी स्मेल चली जाती है, इस चीज को अपने दिमाग में पॉइंट याद रखने की। तो बेस के साथ में डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ऑनियन, है ना। तो बेस क्या करेगा, वो कॉटन स्ट्रिप जो हमने रखी थी चॉप्ड ऑनियन के साथ में, है ना, उसको अगर हम कॉटन स्ट्रिप को अपने बेसिक सॉल्यूशन में अपने डिप करके देखेंगे, तो बेस उसकी स्मेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज इट इज हैविंग कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ऑनियन, ठीक है ना। लेकिन एसिड में इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर सके, ओके। सेम एज ऑनियन, सेम एज वनीला, वनीला का भी यही कॉन्सेप्ट है। विथ एसिड इट डज नॉट डिस्ट्रॉय द प्लीजेंट स्मेल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट, है ना। एसिड क्या करेगा, ये वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, बट बेस, विथ बेस
इट डिस्ट्रॉय द प्लीजेंट स्मेल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट, है ना। बेस क्या करेगा, वनीला की एक्सट्रैक्ट की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बेस होगा वो स्मेल को जाने देगा, एसिड होगा वो स्मेल को नहीं जाने देगा। दिस इज द फंडा, ठीक है ना। दिस इज द फंडा टू हाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वर्क्स। ओके, गॉट इट। सो नाउ दिस फोर्थ टॉपिक ऑल्सो हैव बीन कंप्लीटेड। नाउ दैट लास्ट टॉपिक विल बी रिमेनिंग, ओके, दैट इज सॉल्ट। वी शैल स्टडी दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।